हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हैं भारत की झीलें, जिनसे अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी लेवल का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, NTPC का हो, ठीक है, चाहे लेखपाल का एग्ज़ाम हो या UPPCS का एग्ज़ाम हो या State PCS, कुछ भी हो, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। झीलों से, भारत की झीलों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कोई छोटे लेवल का एग्जाम है तो उसमें नॉर्मली पूछ लेता है कि ये झील किस राज्य में पड़ती है, ठीक है। अगर किसी बड़े लेवल का एग्जाम है तो उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर गोखुर झील की विशेषता क्या होती है, क्रेटर झील की विशेषता क्या होती है, मानव निर्मित झील की विशेषता क्या होती है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर पूछ लेगा कि किस किस राज्य की सीमा बनाती है ये वाली झील, ठीक है। ये होते हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके। झीलों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं सभी एग्जामों के लिए, ये ऐसा नहीं है किसी भी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। आप जितने भी एग्जाम अभी वैकेंसी निकली हुई हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और आने वाली वैकेंसी के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप आराम से वीडियो देखिए, क्योंकि अगर जो बच्चे नई वीडियो देख रहे हैं उनका काम है, सबसे पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से प्रॉपर हर वीडियो के नोट्स लीजिए और उसके बाद वीडियो देखिए। बस आपको इतना टाइम देना है कि वीडियो देखने का, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी चैप्टर से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा भरोसा है। केवल आपको वीडियो अच्छे से सुनना है, जब तक वीडियो ख़त्म ना हो जाए, बीच में छोड़ के ना जाएं। अगर बीच में छोड़ के जाएंगे तो एक हमेशा के लिए भय बन जाएगा GS से, और वो भय बना ही रहेगा। तो आपको सुलझना है, किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है। अगर उलझ गए तो ना कि GS बल्कि मैथ रीजनिंग सभी में उलझ जाओगे और उलझ कर ही रह जाओगे कॉम्पिटिशन में। तो आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से एंड तक सुनना, सुनने के बाद समझ में आए तब बोलना, या फिर उसके बाद कभी वीडियो मत देखना। लेकिन उससे पहले समझना होगा चीज़ों को, टाइम देना होगा चीज़ों के लिए। ऐसे समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, जितना चीज़ों पर वर्क किया जाता है ना, तो उन्हें आपको टाइम देना होगा समझने के लिए, बस, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम झीलों की विशेषता देखने वाले हैं, आखिर किस झील की विशेषता क्या होती है, ठीक है। अगर आप विशेषता पढ़ लेते हैं झील की, कि इस झील की ये विशेषता होती है, तो बड़े एग्जामों में क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं कि कौन सी झील मीठे पानी की झील है, कौन सी झील जो हमारी लवणीय झील है, ठीक है, कौन सी झील लैगून झील है। तो अगर आप केवल विशेषता पढ़ लेते हैं ना, तो आप एग्जाम में बड़े आसानी से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं झीलों से संबंधित, केवल विशेषताओं से। तो आइए सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं, आखिरकार कितने प्रकार की झीलें होती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लैगून झील। आखिर लैगून झील क्या होती है, देखिए, यह है समुद्र, ठीक है, यह है भारत की सीमा। जब समुद्र की लहरें इस सीमा से टकराएंगी, तो क्या होगा, ये इसे छेद देंगी, तट को छेद देंगी, और कुछ समय बाद क्या होगा कि तट इस प्रकार अंदर की ओर चलता चला जाएगा। जब लहरें आकर टकराएंगी तो ये अंदर की ओर, तट हमारा अंदर की ओर चला जाएगा। जब तट अंदर की ओर जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। इस तट पर समुद्र के लहरों के द्वारा छेद कर बनी झील ही क्या कहलाती है, हमारी लैगून झील। फिर से रिपीट करता हूं, जब लहरें हमारी आकर तट से टकराती हैं और तट को ये छेद देती हैं, जब तट को छेद देंगी क्या होगा, उसके बाद एक इस प्रकार की एक संरचना बनेगी और इसमें क्या होगा, जल भर जाएगा। ये भरा हुआ जल, जिसका मुंह हमारा समुद्र की ओर खुला हुआ होता है, उसे कहते हैं लैगून झील। उसे क्या कहते हैं, लैगून झील। तो एक बात तो पता पड़ी कि लैगून झीलों का निर्माण समुद्र का जल करता है, क्योंकि आकर वो तट से टकराता है। तो हमें ये भी पता है कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने। पहली बात, लैगून झीलें हमारे समुद्र तट पर पाई जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लैगून झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, खारे पानी की झीलें क्यों होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण यहाँ से टकराने वाली लहरें, समुद्र से टकराने वाली लहरें तट को छेद कर बनाती हैं, झीलों का निर्माण करती हैं। और हमें पता है समुद्र का जल खारा होता है, इसी कारण जो हमारी लैगून झीलें होती हैं इनका जल भी खारा होता है, ठीक है। अधिकतर जो झीलें होती हैं लैगून झीलें, उनका जो मुख होता है समुद्र की ओर खुला हुआ होता है, क्योंकि इनसे आकर लहरें टकराती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये बंद हो जाता है। इसका कारण ये है कि ये जो होती है समुद्र की लहरें गाद भी लेकर आती हैं, गंदगी लेकर आती हैं, पन्नी कचरा वगैरह लेकर आती हैं, जो कि समुद्र में होता है।
समुद्र क्या करता है, अपनी जो गंदगी होती है उसे बाहर फेंकता है। जब बाहर फेंकेगा और लाकर तट पर फेंकेगा, लाकर तट पर मारेगा, तो कुछ समय बाद क्या होगा, पहले तो यहाँ पर पानी भर गया था, इस प्रकार पानी भर गया था इस वाले हिस्से में, लेकिन कुछ समय बाद होगा कि समुद्र जब गंदगी लाकर यहाँ पर इकट्ठी कर देगा इस वाली जगह पर, तो ये वाली जगह हमारी बंद हो जाएगी, ये वाला मुख इसका बंद हो जाएगा गंदगी से। तो अधिकतर तो जो हमारी झीलें होती हैं, लैंगून झीलें, वो समुद्र की ओर खुली हुई होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समुद्र गंदगी के द्वारा इन झीलों के मुख को बंद कर देता है। तो ये भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मुख खुला हुआ हो, मुख बंद भी हो सकता है, किसके कारण, गंदगी का कारण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो हमारी ये वाली झील है, कोलेरू झील, जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ये कोलेरू झील जो थी पहले, ये इसका मुंह समुद्र की ओर खुला हुआ था, समुद्र की ओर खुला हुआ था, ये एक लैंगून झील थी, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ समुद्र ने गंदगी डाल दी, गंदगी डालता गया और उसका मुख बंद कर दिया, उसका मुख बंद कर दिया। अब ये झील इस प्रकार है, इस प्रकार, और इसका ये जो है यहाँ पर गंदगी जमा हो गई है। तो ये वाली झील जो है वो है कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। समझ में आया होगा आपको कि लैंगून झीलें क्या होती हैं, ठीक है। लैंगून झीलें जो होती हैं खारे पानी की झीलें होती हैं। खारे पानी की झीलें इसलिए होती हैं क्योंकि इनका निर्माण समुद्र की लहरें करती हैं, और हमें पता है समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या होती है? देखिए, आप सभी ने गाय के खुर देखे होंगे। गोखुर का मतलब है गाय के खुर, खुर का मतलब है पैर। जो गाय के खुर होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, इस प्रकार होते हैं हमारे गाय के खुर, ठीक है। अब इनसे ही हमारा बना है गोखुर झील। अब समझिए कैसे बना है। देखिए, जब नदियां बहती हैं, जब नदियां इस प्रकार बहती हैं हमारी, इस प्रकार विसर्पण करती हुई बहती हैं, ठीक है, नदियां विसर्पण करती हैं, जब निर्माण होता हमारी गोखुर झीलों का। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि गोखुर झीलों का निर्माण विसर्पण के कारण क्यों होता है। आइए उसे ही समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कोई रास्ता बताया, आप उस रास्ते से एक दो बार गए, एक दो बार जाने के बाद आपको पता चला कि ये तो रास्ता लंबा है, क्यों ना हम शॉर्ट रास्ता लें। लेकिन उससे पहले तो आप एक दो बार निकल चुके थे लॉन्ग वाले रास्ते से। तो ऐसा ही होता है गोखुर झीलों के साथ। जब नदियां विसर्पण करती हैं, जब इस प्रकार विसर्पण का मतलब होता है सांप की तरह चलना, जब नदियां विसर्पण करती हैं इस प्रकार, तो क्या होता है, जब नदियां इस तरह चल रही हैं, नदियों को पता चलेगा कि हम इस लंबे रास्ते को क्यों ले रही हैं, इस प्रकार इतना लंबा रास्ता क्यों लेना, हम क्यों ना सीधा निकल जाएं। क्योंकि नदियों का काम मनुष्य की तरह ही होता है, शॉर्ट रास्ते से जाना, ना कि लॉन्ग रास्ते से जाना, क्योंकि उन्हें समुद्र तल जल्दी से जल्दी प्राप्त करना होता है। नदियों का पानी क्यों बह रहा है, नदियां क्यों इतनी तेजी से बह रही हैं, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी है समुद्र तट तक जाने की, अपना जल समुद्र में गिराने की जल्दी है, जबी तो नदियां बह रही हैं लगातार। तो नदियों को जब पता चला, नहीं ये रास्ता तो लॉन्ग है, क्यों हम इस रास्ते को क्यों लें, क्यों ना इस रास्ते को सीधा ले लें। जब नदियां इस सीधे रास्ते को लेती हैं, तो ये रास्ता जबी तो सीधा होगा जब इसमें जल भर जाएगा, इस वाले एरिया में जल भर जाएगा, जबी तो नदियां सीधे चल पाएंगी। तो इस रास्ते में जल भर जाता है जहां से पहले नदियां बह रही थी, इस रास्ते में जब जल भर जाता है और नदियां सीधी बहने लगती हैं, तो ये वाला रास्ता हमारा अलग हो जाता है, मतलब भरा हुआ पानी अलग हो जाता है। इसी से निर्माण होता है गोखुर झीलों का। अब आपका आंसर हो गोखुर क्यों कहा गया। देखिए, गाय के खुर की तरह झीलें बनती हैं, गाय के खुर की तरह झीलें बनती हैं, गाय के पैरों की तरह झीलें बनती हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया गोखुर झीलें। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार गोखुर झीलें क्या होती हैं। फिर से बता रहा हूँ, जब नदियाँ विसर्पण करती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, जब टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं और नदियों को पता चलता है कि ये रास्ता लंबा है, क्यों ना हम शॉर्ट रास्ता लें, जब नदियाँ शॉर्ट रास्ता लेती हैं तो इनके अंदर जो जल भर जाता है, इन टेढ़े रास्तों के अंदर जो जल भर जाता है, यही होती है हमारी गोखुर झील, यानी गाय के पैरों यानी खुर के समान झीलों का निर्माण करती हैं नदियाँ। दूसरी जो पॉइंट बनता है इससे ये बनता है कि गोखुर झीलें जो होती हैं मीठे पानी की झीलें होती हैं हमेशा। गोखुर झीलें जो होती हैं हमेशा मीठे पानी की झीलें होती हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। चीज़ों को समझिए तो आपको शायद ऑप्शन टिक करने में दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। समझिए कि गोखुर झीलें आखिरकार मीठे पानी की झीलें क्यों होती हैं। पहला रीज़न तो ये है कि इनका निर्माण नदियाँ करती हैं, और नदियाँ हमेशा लगातार बहती रहती हैं। जब नदियाँ लगातार बहेंगी तो उसके अंदर जो होगा वो पानी इकट्ठा नहीं होगा, गंदा पानी। जब गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा तो वो पानी कैसा रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा, क्योंकि बहता हुआ पानी गंदा नहीं होता है। मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि पीने में मीठा हो, मीठे पानी का मतलब है कि वो खारा ना हो। जो पानी खारा नहीं है वो समझिए मीठा है। झीलों के मतलब, झीलों से खारे और मीठे का मतलब ये होता है, मीठे पानी का मतलब ये है कि जो ताज़ा पानी होगा, बहता हुआ पानी होगा,
जिसमें परिवर्तन हो रहा हो पानी का, मतलब जो ऐसा नहीं है कि ये वाली झील इसमें पानी है लाखों सालों से हजारों सालों से वही पानी भरा हुआ है, नहीं, ये पानी बदलता रहना चाहिए। तो नदियाँ बहती रहती हैं और इस पानी को बदलती रहती हैं, जब बदलती रहेंगी तो ये पानी टिकेगा नहीं, बहता रहेगा, गंदगी बाहर निकलती रहेगी, तो ये पानी कैसा रहेगा, खारा नहीं रहेगा, जब खारा नहीं रहेगा तो इसे कहेंगे मीठा पानी। तो इसका निर्माण, गोकुर झीलों का निर्माण नदियाँ करती हैं और नदियाँ लगातार बहती रहती हैं, यही कारण है कि गोकुर झीलें हमारी मीठे पानी की झीलें होती हैं, गोकुर झीलें हमारी मीठे पानी की झीलें होती हैं। गोकुर झीलें मीठे पानी की झीलें होती हैं, इसके पीछे एक और रीज़न है, क्या रीज़न है वो समझिए कि देखिए नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, आप सीधी बात ये सोचिए, नदियाँ अगर बह रही हैं इसका मतलब वो समुद्र तल तक तो पहुँची नहीं है, नदियाँ बह रही हैं इसका मतलब समुद्र तल तक तो पहुँची नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ, आप स्कूल जा रहे हैं इसका मतलब आप अभी पहुँचे नहीं हैं, अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो इसका मतलब नदियाँ बह रही हैं इसका मतलब है अभी तक समुद्र तल तक पहुँची नहीं है। जब समुद्र तल तक पहुँची नहीं है तो इसका मतलब क्या है, समुद्र का पानी ही तो खारा होता है, आंतरिक जल थोड़ी नहीं खारा होगा। इस यही कारण है कि क्योंकि बहती हुई नदियाँ गोकुर झीलों का निर्माण करती हैं और बहती हुई नदियों का मतलब होता है कि अभी वो समुद्र तक पहुंची नहीं है, अभी तक समुद्र के संपर्क में वो आई नहीं है। जब समुद्र के संपर्क में आई नहीं है, समुद्र का पानी खारा होता है, नदियों का पानी खारा नहीं होता है, यही कारण है कि गोकुर झीलें हमारी मीठे पानी की झीलें होती हैं। ये दो रीजन थे गोकुर झीलों से संबंधित। आइए बात करते हैं हम क्रेटर झील। आखिर यार ये क्रेटर झील क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं ये क्रेटर झील क्या होता है। देखिए ये होता हमारा ज्वालामुखी पर्वत, इस प्रकार होता ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी क्या होता है, उद्गार करना बंद कर देता है, यानी सुसुप्त हो जाता है। जब ज्वालामुखी सुसुप्त हो जाता है तो क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा रहेगा इसमें गंदगी अगर जमा होती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा ये वाला हिस्सा हमारा भर जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा भर जाएगा और ये वाला हिस्सा बचेगा, केवल ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है। जब ये वाला हिस्सा भरेगा और बारिश और बाढ़ के कारण इसमें पानी आकर इकट्ठा होगा तो ये एक झील का निर्माण कर लेगा, क्योंकि नीचे तो हमारा कूड़ा भर चुका है, गंदगी भर चुकी है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर पानी आकर जमा हो जाएगा, बारिश का या किसी भी बाढ़ का या समुद्र का किसी का भी पानी आकर इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी आकर इकट्ठा हो जाएगा, इस गोल गोल में भर जाएगा, तो इससे निर्माण होता है क्रेटर झील का। अब इन्हें क्रेटर झील क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ज्वालामुखी जो होते हैं उनके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है गोल गोल, इसे कहते हैं हम क्रेटर। इसी कारण, चूंकि क्रेटर में जल भरने के कारण इन झीलों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें कहते हैं क्रेटर झीलें, ठीक है। क्रेटर झीलें ताजे पानी की भी हो सकती हैं और खारे पानी की भी हो सकती हैं। हो सकता है कि समुद्र ज्वालामुखी जो हो बिल्कुल समुद्र के पास में हो और आई हो लहरें समुद्र की और उस क्रेटर को भर दिया हो, ठीक है। इस प्रकार होता है क्रेटर का निर्माण। दूसरा प्रकार और देख लेते हैं क्रेटर का, किस प्रकार क्रेटर झीलों का निर्माण हो सकता है। पहला तो कूड़ा भर गया हो, दूसरा हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये क्रेटर था, ठीक है। अब इसे मान लीजिए ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। जब सुसुप्त ज्वालामुखी है इसका मतलब इसमें उद्गार नहीं होगा। अब क्या हुआ कि पानी आया, पानी बरसता रहा, इसमें भरता रहा, ठीक है। और ये क्या हुआ, नीचे वाला भी हिस्सा भर गया, आने वाले टाइम में ऊपर वाला हिस्सा भी भर गया। जब ऊपर वाला हिस्सा ये भर गया तो इससे निर्माण हुआ हमारा क्रेटर झील का, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमें दिखेगा नहीं। ये वाला क्यों नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये नीचे है, ये जमीन में गड़ा हुआ है, ठीक है। हमें केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है और ये ऊपर वाला हिस्सा ही हमारा क्या कहलाता है, झील जैसा दिखता है। जब ये झील जैसा दिखता है तो इसे कहते हैं क्रेटर झील, क्योंकि ज्वालामुखी के ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेटर कहते हैं। तो ये थी हमारी क्रेटर झीलें। क्रेटर झीलों का उदाहरण जो है वो हमारा महाराष्ट्र की एक झील है, ये रही लोनार झील। लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का ही उदाहरण है। इसका मतलब इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी जिनका उद्गार होने की उम्मीद ना हो भविष्य में, ठीक है। अब बात करते हैं मानव निर्मित झीलें। देखिए मानव निर्मित झीलें समझिए क्या होता है। आप मान लीजिए पानी बह रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से बह रहा है, आपको वो रोकना है। जब आप उस पानी को रोकेंगे, मान लीजिए नाली है, ठीक है, इस नाली से लगातार पानी बह रहा है, मान लीजिए आपने यहाँ से पानी रोक दिया,
जब आप यहाँ से पानी रोकेंगे तो ये क्या होगा, नाली ऊपर तक भरनी शुरू हो जाएगी। जब ऊपर भर चुकी होगी तो उसके बाद पानी क्या होगा, साइड में जाना शुरू हो जाएगा। जब पानी साइड में जाना शुरू हो जाएगा तो पूरे बीच में फैल जाएगा। तो ये बीच में फैला हुआ पानी ही हमारा कहलाता मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलें इसलिए कहते हैं क्योंकि आगे वाला पानी जो है, ये आगे वाला हिस्सा मानव ने रोका। जब मानव ने रोका तो ये पीछे जो पानी फैला उससे निर्माण हुआ झील का। जब उससे निर्माण झील का हुआ और चूंकि ये जल आगे से मानव ने रोका था इसलिए इन्हें कहा गया मानव निर्मित झीलें। अब देखिए इनका निर्माण कैसे होता है। मान लीजिए नदी बह रही है, आपने क्या करा, आपने उस पर डैम बनाया। डैम मतलब बांध बनाया आपने। बांध का मतलब क्या होता है, आपने जल रोक लिया। जब आपने जल रोक लिया, जब जल रुकेगा, ऐसा तो है नहीं जल से कह दिया रुक जा तो वो रुक गया, पीछे वाला भी रुक गया, उससे पीछे वाला भी जल रुक गया। नहीं, जल का तो प्रेशर पीछे से बनेगा। जब जल का प्रेशर पीछे से बनेगा और वो डैम के आगे वाली दीवार पर आकर धक्का मारेगा और डैम खुलेगा नहीं तो क्या होगा, जल पीछे की ओर बहना शुरू हो जाएगा, आगे के आसपास के खेतों शहरों में फैलेगा। जब आसपास के शहरों में फैलेगा, खेतों में फैलेगा, तो क्या होगा, उससे एक झील का निर्माण होगा। एक झील का निर्माण होगा, एक विस्तृत क्षेत्र में जल फैल जाएगा तो उससे एक झील का निर्माण होगा। क्योंकि आगे वाला हिस्सा मानव ने रोका था जल का, इसीलिए इन्हें कहते हैं मानव निर्मित झीलें। क्या कहते हैं, मानव निर्मित झीलें। तो ये थे हमारे झीलों के प्रकार। लैंगून झील मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, गोखुर झील, क्रेटर झील और मानव निर्मित झीलें। आइए अब एक एक राज्य की झीलों पर बात करते हैं, इनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं, उन झीलों पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है वुलर झील। कौन सी, वुलर झील, जो कि हमारी पड़ती है किसमें, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, मैंने बताया था कि इनका निर्माण नदियों के द्वारा होता है, जो हमारी गोखुर झीलें या फिर ताजे पानी की झीलें होती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है उसका निर्माण किस नदी ने किया है, उसका निर्माण किस नदी ने किया है। शायद और उनसे तो क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन सबसे बड़ी है तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका निर्माण झेलम नदी करती है। मैंने आपको जब सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, जब भी बताया था कि जब हमारी झेलम नदी बहती है तो विसर्पण करने लगती है कश्मीर घाटी में। जब विसर्पण करने लगती है तो वो वुलर झील से निकलती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान में। ये मैंने आपको बताया था। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो वो है वुलर झील, जिसका निर्माण झेलम नदी द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, एक है डल झील। अब आपको बस नाम याद रखने की, नाम क्या क्या है। ठीक है, नाम क्या क्या है, वुलर झील सबसे बड़ी होगी, उसके बाद है डल झील, गाडसर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, कोसरनाग, नागिन, सिमोमोरी, गंगाबल, मानसबल। ये हैं जम्मू कश्मीर की नदियाँ, जम्मू कश्मीर की झीलें। ठीक है, आपको एक ट्रिक तो नहीं कह सकते, देखिए ट्रिक से कभी मत पढ़ना। ठीक है, पहली बात तो चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक को याद करना पड़ेगा, डबल मेहनत लगती है ट्रिक को याद करने में, इसलिए ट्रिक नहीं कह सकते, लेकिन एक अनुमान कह सकते हैं। देखिए, जितनी भी नदी, जितनी भी झीलें हैं जम्मू कश्मीर की, उनके पीछे क्या होता, अधिकतर 80% तक क्या होता, उनके पीछे नाग लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, नाग लगा हुआ होता है। तो आपको यदि कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको टिक करना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, इसे भी चूज कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो झीलें होती हैं उनके पीछे नाग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अधिकतर नाग वाली झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं और उत्तराखंड में भी पाई जाती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ये तीनों की सीमाएं लगी हुई हैं, इसीलिए थोड़ी थोड़ी झीलें नीचे ही पाई जाती हैं, लेकिन अधिकतर किस में पाई जाती हैं, जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, हिमाचल प्रदेश की झीलें। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से आपको याद रखनी है भृगु, मच्छियाल, रेणुका, खज्जियार, सूरजताल और चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल। देखिए, ताल वाली जो नदियां, ताल वाली जो झीलें होती हैं, सॉरी नदियां निकल रहा है, ताल वाली जो झीलें होती हैं वो अधिकतर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, जिनके पीछे ताल लगा हुआ हो वो अधिकतर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और इसमें भी ज़्यादा डीप में जाओगे तो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में और दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश में। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए आपने झीलों को बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन आ जाता है, चल सूरजताल झील, सूरजताल झील, ठीक है, सूरजताल झील, और ऑप्शन दे देता है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, चौथा केरल। और मैंने आपको बताया था अधिकतर झीलें जो होती हैं ताल वाली वो हमारी कहां पर पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं।
तो आप आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ है। यदि हिमाचल प्रदेश भी दिया हुआ होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, शायद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड दोनों दिए हुए होते। ठीक है, तो इस प्रकार जाना है हमें ऑप्शन पे। अधिकतर ताल जिनके पीछे लगा हुआ होता है वो दो राज्यों में अधिकतर पाई जाती हैं, कौन कौन से, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उत्तराखंड से आपको, हिमाचल प्रदेश से आपको मुख्य रूप से नाम याद रखने हैं, वो है भृगु, मच्छियाल, रेणुका, खज्जियाल, सूरजताल और चंद्रताल। ये नाम आपको याद रखने हैं, किससे, हिमाचल प्रदेश से। अब बात करते हैं हम किसकी, राजस्थान की झीलों की। राजस्थान में मुख्य रूप से आपको याद रखनी है राजसम्मद, जयसम्मद, निक्की, सांभर, फतेहपुर, चंद्रप्रभा, डिंडवाना और पुष्कर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, दो क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाले। पहली बात तो ये सभी झीलें अंदर राजस्थान में अंदर हैं, कोई भी समुद्र पर नहीं है, कोई भी समुद्र पर नहीं है। दूसरा बात, राजस्थान की अधिकतर झीलें जो हैं वो कैसी, लवणीय हैं, यानी खारी हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जब देश के अंदर हैं और समुद्र से सीमा नहीं लग रही है इन झीलों की, तो ये झीलें हमारी क्यों हैं खारे, खारे पानी की क्यों है, जबकि इनकी तो समुद्र से कोई सीमा लग नहीं रही। तो पहले क्या था, जब यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा किससे लगा हुआ था, अफ्रीका से लगा हुआ था, जब प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से पहले, तो यहाँ पर हमारा एक टैथिस सागर पाया जाता था। इस वाले हिस्से में क्या था, टैथिस सागर था। और टैथिस सागर, बात वही आ गई ना, समुद्र या सागर, कैसा था जल, खारा था। तो इस वाले हिस्से में टैथिस सागर फैला हुआ था, टैथिस सागर फैला हुआ था, और यहाँ पर आकर क्या हुआ, ये वाला हिस्सा चिपक गया भारत का। जब ये वाला हिस्सा आकर अफ्रीका से यहाँ चिपका, ये वाला हिस्सा, तो क्या हुआ, आप एक चीज़ समझिए, आप मिट्टी लीजिए, उसमें नमक डालिए और जल डाल दीजिए, ठीक है, उसे सुखा दीजिए मिट्टी को, तो क्या होगा, आप उसमें फिर से जल डालेंगे, पानी खारा रहेगा, फिर उसे सुखा दीजिए, फिर जल डालेंगे, फिर खारा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि सूख सूख कर दोबारा जल डालेंगे, दोबारा खारा होगा। तो यहीं पहले यहाँ टैथिस सागर था, टैथिस सागर समय के साथ सूख गया, टैथिस सागर समय के साथ सूख गया, लेकिन उसकी जो मिट्टी थी उसमें उसमें नमकीन पानी रह गया। नमकीन पानी का मतलब उसमें नमक रह गया। जब नमक रह गया, अब बारिश पड़ती है, जब वहाँ पर बारिश पड़ती है, बारिश से क्या होता है, झीलों का निर्माण होता है जब राजस्थान में, तो वो जो नमक मिला हुआ है जमीन में वो दोबारा से घुल जाता है जल में। जब वो घुल जाता है तो उनसे खारा पानी बन जाता है, तो इन खारे पानी को कहते हैं लवणीय झील। कैसी, लवणीय झील। तो फिर से समझाता हूँ कि राजस्थान की लवणीय झीलों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। यहाँ पर पहले टैथिस सागर था, टैथिस सागर सूख गया तो उसकी मिट्टी में जो नमक रह गया, जब मिट्टी में नमक रह गया और बारिश पड़ती है तो वो नमक दोबारा से मिट्टी, जो पानी होता है उसमें घुल जाता है। जब पानी में घुल जाता है तो इससे निर्माण होता है हमारा किसका, लवणीय झीलों का, लवणीय झीलों का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर यानी समुद्र से नहीं लगी हुई भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, फिर से रिपीट करता हूँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि समुद्र से नहीं लगी हुई हो वो कौन सी है, तो वो है हमारी सांभर झील। कौन सी, सांभर झील, जो कि राजस्थान की है। अब क्वेश्चन बदलिए, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो वो है चिल्का झील, जो कि हमारी समुद्र से लगी हुई है, जो कि एक लैंगून झील का उदाहरण है। कौन सी, चिल्का झील। चिल्का झील हमारी कैसी है, तो लैंगून झील है एक। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है हमारी लैंगून झील, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि देश के अंदर है, तो वो हमारी सांभर झील, जो कि राजस्थान की है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं गुजरात की झीलों पर। गुजरात में मुख्य रूप से दो याद रखनी है, धौलपुर और वस्तपुर। धौलपुर और वस्तपुर दोनों किसकी हैं, गुजरात की झीलें हैं। नीचे आते हैं हम केरल की झीलों पर बात करते हैं। केरल में आपको मुख्य रूप से याद रखनी है वेम्बनाड, अष्टमुडी, सत्थम, कोटम। ठीक है ना, सत्थम, कोटम, जो वेम्बनाड और अष्टमुडी झील है, ये है कयाल झील। केरल में लैंगून झील को कयाल झील कहते हैं, सीधी बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब क्या है, वेम्बनाड और अष्टमुडी जो झीलें हैं हमारी, वेम्बनाड और अष्टमुडी, ये कैसी हैं, खारी झीलें हैं। क्योंकि ये कैसी झीलें, कयाल झीलें हैं, और कयाल झील जो होती हैं उन्हें केरल में कहते हैं, लैंगून झीलों को ही कयाल झील कहते हैं। लैंगून झीलों को कयाल झील कहते हैं केरल में, और लैंगून झील हमारे खारे पानी की झीलें होती हैं, और केरल की वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलें जो हैं वो कयाल झीलें। इसी कारण वेम्बनाड और अष्टमुडी हमारी लैंगून झील यानी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, जो हमारी वेम्बनाड झील है, इस पर वेलिंगटन द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप, द्वीप यानी चारों तरफ से जल से घिरी हुई एक स्थल, ठीक है, वो होता है द्वीप। तो हमारा वेम्बनाड जो है उस पर एक कैसा, एक द्वीप है, कौन सा, वेलिंगटन द्वीप, जिस पर केरल की नौका प्रतियोगिता होती है। आपने देखा होगा केरल में बहुत से लोग नाव को चलाते हैं, ठीक है, एक प्रतियोगिता होती है, वो कहाँ पर होती है, तो
तो वो हमारी बेमिनार झील में स्थित एक वेलिंगटन द्वीप है, उस वेलिंगटन द्वीप पर होती है हमारी कौन सी नौका प्रतियोगिता केरल की। तो आपको यहां से ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में आपको मुख्य रूप से दो झीलें याद रखनी है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील जो है उसका निर्माण समुद्र की लहरों ने किया है, तट को काट काट कर। इसी कारण ये कैसी है, खारे पानी की झील है, खारे पानी की लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील चिल्का झील, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं असम में। असम में आपको एक नाम याद रखना है, कौन सा, चबूडी। चबूडी हमारा कहां पर है, असम में पड़ती है झील। उसके बाद मणिपुर में आपको एक नाम याद रखना है, मणिपुर में वो है लोकटक झील। कौन सी, लोकटक झील। लोकटक झील पे हमारा एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। कौन सा, केबुल लामजाओ। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका आंसर है केबुल लामजाओ। वो किस राज्य में पड़ता है, तो मणिपुर राज्य में पड़ता है। और किस झील पर है, तो लोकटक झील पर है। किस झील पर है, लोकटक झील पर है। तो लोकटक झील हमारी मणिपुर में पड़ती है और लोकटक झील पर हमारा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपको मुख्य रूप से जो झीलें याद रखनी है वो है पोवई, तुलसी, लोणार, उपवस और विहार, ठीक है। कौन कौन सी, पोवई, तुलसी, लोणार, उपवस और बिहार। ये हमारी किसकी झील है, ये हमारी महाराष्ट्र की झील है, जिसमें लोणार झील जो है वो क्रेटर झील है, यानी उसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था क्रेटर झीलों की विशेषता। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपको मुख्य रूप से झीलें याद रखनी वो है कोडाइकनाल। कोडाइकनाल एक पर्यटन स्थल भी है, किस पर, तमिलनाडु में, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पड़ता है, उसी के नाम पर पड़ा है, इसका नाम कोडाइकनाल झील, ठीक है, कोडाइकनाल झील। यहां से दो क्वेश्चन बनेंगे, कोडाइकनाल पर्यटन स्थल किस राज्य में है, तमिलनाडु में, किस पर्वत पर है, तो हमारा शायद नीलगिरी पर्वत पर है कोडाइकनाल, ठीक है। उसके बाद एक और है कालीवेली, नेक्स्ट है सोलावरम और लास्ट है एमरोल्ड। ये नाम याद रखने हैं आपको तमिलनाडु की झीलों से, ठीक है। तमिलनाडु की झीलों से कौन कौन से नाम याद रखने, कोडाइकनाल जो कि एक पर्यटन स्थल भी है और एक झील भी है, नेक्स्ट है कालीवेली, उसके बाद है सोलावरम और लास्ट है एमरोल्ड। एमरोल्ड बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि एमरोल्ड झील हमारी कहां पर पड़ती है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपको मुख्य रूप से दो याद रखनी है, कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू झील जो है वो हमारी कैसी है, लैंगून झील है। कोलेरू झील लैंगून झील है, लेकिन अब ये तट पर नहीं रही है। तट पर नहीं रही है इसका मतलब ये है कि यहां पर पहले ये तट पर थी इस प्रकार, ये तट पर थी इस प्रकार, ठीक है, ये खुला हुआ था, यहां पर लहरें टकराती थी, लेकिन क्या हुआ आने वाले टाइम में कि लहरों ने गंदगी लाकर यहां पर जमा कर दी और ये वाला हिस्सा हमारा बंद कर दिया, ये वाला हिस्सा हमारा बंद कर दिया इस प्रकार, और ये झील हमारी देश की सीमा के अंदर चली गई। लेकिन ये अब भी खारे पानी की है, क्योंकि इसमें जो जल भरा हुआ है वो समुद्र का ही है, लेकिन अब इसका मुंह बंद हो गया है केवल, ठीक है। तो कोलेरू झील जो है हमारी अब सीमा पर नहीं है, मतलब इस वाले तट की सीमा पर नहीं है, अब देश के अंदर है, लेकिन ये लैंगून झील है और खारे पानी की झील है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। पुलिकट झील, पुलिकट झील हमारी जो है वो किसकी सीमा बनाती है, तो पुलिकट झील जो हमारी वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। इस प्रकार ये हमारा आंध्र प्रदेश और ये हमारा तमिलनाडु, इसकी सीमा बनाती है पुलिकट झील। कौन सी, पुलिकट झील। तो आपको मुख्य रूप से दो झीलें याद रखनी है आंध्र प्रदेश से, कौन कौन सी, कोलेरू झील और पुलिकट झील। नेक्स्ट हम देखते हैं मेघालय में। मेघालय में आपको एक नाम याद रखना, उमियाम झील। कौन सी, उमियाम झील। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्किम की झीलें। सिक्किम में आपको मुख्य रूप से तीन झीलें याद रखनी है, चोलाहमू, नेक्स्ट है सोंगमा और लास्ट है खज्जिया पाली, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, चोलाहमू, सोंगमा और खज्जिया पाली, ये तीन झील पड़ती हैं हमारी सिक्किम में, ठीक है। इनसे केवल यही पूछा जाएगा कि ये किस राज्य में पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई खास विशेषता नहीं है। झीलें देखो बहुत ज़्यादा हैं, ना तो उन्हें पढ़ना पॉसिबल है और ना ही समझदारी का काम है, ठीक है। तो चोलामू, सोंगमा और खज्जिया पाली, ये तीनों हमारी पड़ती हैं किसमें, सिक्किम में पड़ती हैं। लास्ट हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड में आपको मुख्य रूप से याद रखनी है नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, रूपकुंड और सत्ताताल। फिर से रिपीट करता हूँ, नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, रूपकुंड और सत्ताताल। मैंने अभी आपको बताया था कि जिनके पीछे ताल लगा हुआ हो, जिनके पीछे ताल लगा हुआ, ताल का मतलब झील होता है, ठीक है, ये मत कहने लगना नैनीताल झील, ताल का मतलब ही झील होता है, ठीक है। तो नैनीताल, डोंडीताल, भीमताल, रूपकुंड और सत्ताताल, जिनके पीछे ताल लगा हुआ होता है वो अधिकतर हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और अधिकतर की भी बात करें तो अधिकतर हमारी उत्तराखंड में पाई जाती हैं और उससे कम पाई जाती हैं हमारी हिमाचल प्रदेश में। तो कहीं पर ऑप्शन टिक करना पड़े तो आप आसानी से लगा सकते हैं, यदि ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में से एक नाम दिया गया हो और बाकी के हमारे दक्षिण भारत के राज्यों के नाम दे दिए गए हों तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कोई सा भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में से। ठीक है, तो ये थी हमारी झीलें। अब हम एक बार बात कर लेते हैं मानव निर्मित झीलों पर, यानी मानव निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनका निर्माण किस प्रकार किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं मानव निर्मित झीलों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानव निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है, तो मानव निर्मित झीलों का मतलब है जिनका निर्माण मानव ने किया हो। ऐसा तो नहीं है कि गड्ढे में पानी भरते गए हों, बाल्टी डालते गए हों तो उससे मानव निर्मित झीलों का निर्माण हो गया होगा, नहीं। देखिए, मानव निर्मित झीलों का निर्माण कैसे होता है, जब हम लोग बांध बनाते हैं, बांध का मतलब होता है कि हमने जल को बांध दिया। जब जल को बांध दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है हाँ जल बंध गया, कि हाँ मैं बंध गया, जल तो बंधेगा नहीं। तो वो क्या होगा, जल प्रेशर मारेगा। जब प्रेशर मारेगा और ये वाली दीवार खुलेगी नहीं, यानी बांध खुलेगा नहीं, तो क्या होगा, जल पीछे वाले हिस्से में फैल जाएगा। जब पीछे वाले जो स्थल वाले हिस्से में फैलेगा, स्थल वाले हिस्से में फैल जाएगा, उससे क्या होगा, एक झील का निर्माण होगा। तो इसी झील को कहते हैं मानव निर्मित झीलें या फिर कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, कृत्रिम झील का मतलब जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया हो। बाकी सभी झीलें हमारी कैसी थी, प्राकृतिक झीलें थी। प्राकृतिक का मतलब या तो बारिश पड़ी, ठीक है, समुद्र ने उनका निर्माण किया, ठीक, इस प्रकार निर्माण हुआ था। और झीलों का, ये जो झीलें हैं इनका निर्माण मानव ने किया है, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित झीलें या फिर हम कृत्रिम झील कहते हैं। आइए अब कृत्रिम झीलें देख लेते हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी कृत्रिम झील है और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ही देख लेते हैं, गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है हमारी, वो सतलज नदी पर है। यानी सतलज नदी का जब हम जल रोकते हैं, जब जल रोकेंगे तो एक बांध भी बनाएंगे। तो कौन सा बांध, भागड़ा और नागल। भागड़ा नागल बांध जब बनाया जाता है इस प्रकार, जब हमने यहाँ पर भागड़ा नागल बांध बनाया, जब भागड़ा नागल बांध बनाया तो क्या हुआ, जो पीछे वाला पानी था सारे हिस्से में फैल गया, सारे हिस्से में फैल गया। जब यहाँ प्रेशर बना तो पीछे वाले हिस्से में पानी फैल गया। जब पीछे वाले हिस्से में पानी फैला तो वो कहाँ पर फैला, हिमाचल प्रदेश में फैला। ये पानी जो हिमाचल प्रदेश में फैला, इसी को कहा गया गोविंद सागर झील, जो कि सतलज नदी का जल रोककर बनाया गया। जल रोकने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया, तो भागड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया और सतलज नदी का जल रोका गया। इस सतलज नदी का जल रोकने से ही एक झील का निर्माण हुआ, जिसे कहा गया गोविंद सागर झील। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है हमारी एक झील है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद पल्लभ पंत झील, जो कि हमारी रेहंद नदी पर है, यानी रेहंद नदी का जल रोककर बनाई गई है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। गोविंद बल्लभ पंत झील हमारी उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। आपका आंसर होगा कि किसका जल रोका गया जब इस झील का निर्माण हुआ, मानव निर्मित झील का, तो आपका आंसर होगा रेहंद नदी का जल रोका गया जब इस मानव निर्मित झील का निर्माण हुआ। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेनले झील। स्टेनले झील जो है वो तमिलनाडु में है, और ये किस नदी का जल रोककर बनाई गई है, तो ये कावेरी नदी का जल रोककर बनाई गई है स्टेनले झील। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीन झीलें हमारी कौन कौन सी, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। ठीक है, ये तीनों झीलें हमारी चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। और गांधी सागर हमारी एमपी में, जवाहर सागर और राणा सागर हमारी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, महाराणा प्रताप राजस्थान, उससे भी रिलेट कर सकते हैं आप। जवाहर सागर और राणा सागर हमारी दोनों कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी दोनों स्थित है राजस्थान में, जबकि गांधी सागर हमारी एमपी में स्थित है। और ये तीनों झीलें हमारी किस नदी पर हैं, तो चंबल नदी पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारी निजाम सागर। कौन कौन सी, निजाम सागर और नागार्जुन सागर। जो निजाम सागर व नागार्जुन सागर है, ये दोनों हमारी किस पर है, तो तेलंगाना में। और किस किस नदी पर है, तो निजाम सागर हमारी मंजिरा नदी पर और नागार्जुन सागर हमारी कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ मानव निर्मित झीलें। मैंने आपको मनाया था मानव निर्मित झीलों का मतलब है जिनका निर्माण मनुष्य करे। ठीक है, नदी का जल रोककर मनुष्य निर्माण करे वो कहलाती है मानव निर्मित झीलें। तो हमने पढ़ा मानव निर्मित झीलें और किस नदी पर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें यानी मानव निर्मित झीलें। तो आप सभी को बताना है कि वीडियो कैसी लगी। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो को लाइक करें। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में
लिंक दी गई है किसकी, टेलीग्राम चैनल की। जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उस पर मेरे नोट्स सर्च करके, नोट्स को डाउनलोड करके वीडियो को बड़े इम्तिनान से देखिए, एंड तक देखिए, अपना 30 32 35 मिनट दीजिए और उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जब बताना, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मेरी ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट देखिए बड़े अच्छे से, नोट्स डाउनलोड करके पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं आप। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं और कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, ठीक है। मैं इसी प्रकार वीडियो लाता रहूँगा, ना कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ बड़े अच्छे से पढ़ने वाले आने वाले टाइम में। और ये किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि ये जितने भी एग्ज़ाम निकले हुए हैं और आगे निकलने वाली वैकेंसी हैं सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट ना मानें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, सटीक पढ़ें, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। नोट्स डाउनलोड करके कीजिए अच्छे से रिवीजन। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।